हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लवकुश लेक्चरर। आप सबको पता है यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, जिसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के 20 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको 29 फरवरी को होने वाले साइंस के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 7 से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा 7 से अधिक। प्रश्न दो, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर होगा 10। एक का पीएच मान 5 है, यह विलयन है अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अम्लीय। प्रश्न चार है, 10^-6 MHCl विलयन का पीएच मान होगा। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -6। इसका सही उत्तर होगा 6। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10^-2 N है, इस विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। इसका सही उत्तर होगा 2। आइए आगे और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी Pt, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी Hg। इसका सही उत्तर होगा Mg, मैग्नीशियम। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निक्षित करती है। ऑप्शन है ओजोन, ऑप्शन बी